दोस्तों आपका स्वागत है साइंटिफिक मोहित पे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साइंस के बेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंटिफिक मोहित पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के बारे में, यानी कि एनसीएससी। दोस्तों एनसीएससी की स्थापना श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी और अभी ये साल यानी 2018 में 26th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का कॉम्पिटिशन था। दोस्तों नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस दो साल कॉन्जिक्यूटिव सेमी फोकल थीम और सेम टॉपिक पे काम करता है और वो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को उत्सुक करता है कि वो भी इस रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट में काम करें। दोस्तों नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में 17 ईयर्स तक के बच्चे पार्ट ले सकते हैं और इसमें दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है जूनियर ग्रुप और एक होता है सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में 12 साल तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीनियर ग्रुप में 17 ईयर्स तक के बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक 14 ईयर्स का बच्चा है और एक 12 ईयर्स का बच्चा है तो उनका रजिस्ट्रेशन सीनियर ग्रुप में ही होगा क्योंकि 14 ईयर्स का बच्चा सीनियर ग्रुप कैटेगरी में आता है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों आपको एनसीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक फॉर्म ए लेना पड़ता है जो आपको डीईओ ऑफिस में अवेलेबल होगा या जो आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो एनसीएससी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा उसके पास से आप इजीली ले सकते हैं। वो फॉर्म भर के ही आपका रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। अब हम और आगे बात करते हैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की फोकल थीम की। दोस्तों नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस हर साल एक फोकल थीम पेश हर दो साल के बाद एक फोकल थीम पेश करता है और ये साल का फोकल थीम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। और ये बार के सब थीम्स है इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन, वेस्ट टू वेल्थ, सोसाइटी कल्चर एंड लाइवलीहुड्स, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स। तो ये पांच सब थीम में से आप कोई भी एक चूज करके आप वो सब थीम में रिसर्च कर सकते हैं और ये एक फुल्ली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट की तरह ही है। इसमें आपको मॉडल पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एनटीएससी गाइडलाइन में है कि आपको मॉडल पेश करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए आप जूरी मेंबर्स को बताने के लिए आप मॉडल ले जा सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में हर साल 26 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और वो 26 बच्चे अपने अपने इंडिविजुअल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों अब हम और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनसीएससी के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। दोस्तों एनसीएससी में क्या होता है, आपको दो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी बनाने पड़ते हैं जो आपके सारे लेवल पे आपको दिखाने पड़ते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स है, एक होता है लॉग बुक और एक होता है रिपोर्ट बुक। लॉग बुक में क्या होता है दोस्तों, जो आपने कोई आपने सब्जेक्ट पे आपने रिसर्च किया तो और आपने रिसर्च का टाइम पीरियड फिक्स किया कि 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स में आपने जो भी रिसर्च किया वो उस लॉग बुक में मेंशन करना पड़ता है आपको। फॉर एग्जांपल आपने 1 नवंबर को आपने रिसर्च स्टार्ट किया तो 1 नवंबर को जो आपने रिसर्च किया उस दिन आपने क्या किया तो वो आपको फर्स्ट पेज पे डेट के साथ डेट जो आपने डेट 1 नवंबर और आपने जो भी काम किया वो उसमें मेंशन करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं लॉग बुक रिपोर्ट बुक की। रिपोर्ट बुक में क्या होता है दोस्तों, रिपोर्ट बुक आपको 3000 वर्ड्स में बनाना पड़ता है जिसमें आपके रिसर्च का फुल्ली डिटेल्ड एंड डीप इंस्टॉलेशन होता है। तो फिर ये जो है तो रिपोर्ट बुक में आपको हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और ये सारे टॉपिक्स जो आपके एनसीएससी एक्टिविटी गाइड बुकलेट में दिए होते हैं वो सब आपको वहां पे फिल करना पड़ता है। फिर बाद में हम बात करते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है। दोस्तों एनसीएससी गाइडेंस में प्रेजेंटेशन की कुछ मर्यादा है और वो है 8 मिनट्स। दोस्तों आपने जो 2 मंथ्स का रिसर्च किया वो आपको सिर्फ 8 मिनट पे देना है। ये बात थोड़ी टफ है पर आपको रूल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा इसलिए वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों 7 मिनट पे जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो 7 मिनट पे एक वार्निंग बेल बजता है और वो वार्निंग बेल के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट का एंडिंग स्टार्ट करना होगा। ये 8 मिनट में आपको क्या क्या बोलना है मैं वो आपको टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बोलना है आपका हाइपोथेसिस, फिर जाना है आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे, फिर जाना है आपको आपके आपके ऑब्जर्वेशंस पे, फिर जाना है आपको सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और फाइनली कंक्लूजन। तो ये सब बातें आती है आपके 8 मिनट प्रेजेंटेशन में। और दोस्तों और एक खास रूल है एनसीएससी का कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक आपको 4 चार्ट्स रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं और वो 4 चार्ट्स में आपका रिसर्च का 90% पार्ट कवर हो जाना चाहिए। आपको 4 चार्ट्स में क्या क्या करना है, आपका आपका जो ऑब्जर्वेशन,
आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम और जो आपने आपको जो रिजल्ट और कंक्लूजन मिले वो। तो ये सब बातें आती है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस बेसिकली रिसर्च बेस्ड ही प्रोजेक्ट होता है। आपको उसमें कुछ मॉडल, सिर्फ आपका आइडिया और आपका रिसर्च वहां पे इंपॉर्टेंट होता है। आप जितनी रिसर्च बेस्ड करेंगे और रिसर्च आपको कैसे करनी है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हम एक सोप ले, सोप का एग्जाम्पल ले, तो वो सोप और हमने एक 100 लोगों की सोसाइटी का वर्क एरिया डिसाइड किया, तो वो सोप आपने घर घर जाके पूछा कि ये सोप आप यूज करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे कि हम ये सोप, हम ये कलर का सोप यूज करते हैं, हम ये कंपनी का सोप यूज करते हैं, फिर हम ये फ्लेवर का सोप यूज करते हैं। तो मतलब ऐसा ये सब पार्ट आपके रिसर्च में आता है। तो ये सब डेटा कलेक्ट करके जो आपको कंक्लूजन मिलता है वो आपका फाइनल रिसर्च होता है। आपको कुछ और जानना है नेशनल सेंट्रल साइंस कांग्रेस के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।